कमबख्त लड़कों की वजह से नींद नहीं आती। आज पता नहीं अब तक दस्तक क्यों नहीं हुई। छोड़े ना अम्मा, अच्छा नहीं, खासी रात हो गई है, सो जाए। मुझे तो डर है कि ये खामोशी किसी तूफान का पेशकदमी ना। छोड़े ना अम्मा, खासी रात हो गई है, आ जाए सो जाए। क्या नाम है यार वो जाकिर हामिद नहीं थे? अबे इधर बैठते थे, तेरी वर्कशॉप पे भी आते थे, याद है? अबे तुझे नहीं मालूम? कहाँ गए वो लोग? पुलिस उठा के ले गई आज सुबह उनको। नहीं यार सच्ची? बहुत मारा यार। चंबे चंबे? फुटबॉल बना दिया दोनों को। सेटे, सेटे। और सिगरेट कम पिया करो, मर जाएगा। अबे कुछ नहीं होता यार। मैंने तुम्हारे लिए एक औरत देख ली और उसकी बिरादरी वालों से बात भी कर ली और तुमने देखकर उसे पसंद भी कर लिया। अब वो औरत जो है ना वो बेवा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो फौरन ही दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगी। अरे भैया बड़ी मुश्किल से राजी किया है उसे। अब तुम मुझे एक बात साफ साफ बता दो, तुम उस औरत का अच्छी तरह से ख्याल रखोगी ना? कैसी बातें करनी शमा बेगम आप, कौन अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता? आखिर को मेरी अपनी दुकान है, मेरा अपना जाती घर है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, अपनी दुकान है घर है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारा भाई तो इस रिश्ते को अभी से पसंद नहीं कर रहा है, तो शादी होने के बाद पता नहीं वो क्या कर बैठा। आप उसकी फिक्र ना करो, मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है। समझाने से काम नहीं चलेगा। मेरा मतलब है शमा बेगम कि मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया कि अगर इस घर में रहना है तो तुझे हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वरना वो इस घर को छोड़कर चला जाए। हाँ फिर ठीक है, अब मैं उस औरत से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये हुई ना बात शमा बेगम, तो फिर आप बता दें मैं कब भेजूं अपने लोगों को उधर। अरे करामत भाई इतनी भी क्या जल्दी है, जरा मैं उनसे कोई दिन तारीख तो तय कर लूं ना। चले ये भी ठीक है। अच्छा कराओ भाई मैं चलूंगी है, वो घर में जरा राशन पानी भी खत्म हो गया था, तो जाके कुछ बंदोबस्त कर। अरे शमा बेगम आप ही ऐसा ख्याल करती हैं जैसे हम आपके कुछ नहीं है। नहीं 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 मैं अभी बांध देता हूँ सामान। पता नहीं किस्मत की देवी हमसे क्यों रूठी हुई है। किस्मत की देवी क्यों होती है अम्मा?
होती है बस। वैसे अम्मा आप सोचती बहुत है। सोच ही तो सकती हूँ, अगर बेटा होता तो शायद इतनी परेशानियां ना होती। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, एक तो गुर्बत, ऊपर से घर में कोई मर्द ही नहीं, बेटा अल्लाह ने नहीं दिया और खाबिद वक्त से पहले इस दुनिया से चले गए। मेरा ही दिल जानता है किस तरह से मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया। सैम्मा, अब्बा के मर जाने के बाद आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? अगर करना भी चाहती तो तुम दोनों के साथ कौन कबूल करता मुझे? तो क्या आप खूबसूरत नहीं थी? अरे कमबख्त, शादी के लिए खूबसूरती काफी नहीं है। वैसे अम्मा, अगर मैं मर्द होती ना तो मैं आपसे शादी जरूर कर लेती। चल चल, पागलों जैसी बातें करती रहती, चल भाग यहां से। कौन है? खाला मैं हूँ, हैदर। अच्छा अच्छा, खाला मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। हाँ बोलो। वो जाकिर है ना और उसका साथी, हाँ उनको पुलिस उठा के ले गई। बीस पच्चीस तो होगी, नहीं कुछ ज्यादा है। मुस्कुराती दो दिलों की है।